बात कहना चाह रहा हूँ कि असल में ये जो प्रॉब्लम बनी हुई है पानी खड़ा होने की, ये सारी वजूहत है। ये जो बिल्डिंगों के साथ नाला बना हुआ है, ये बिल्कुल नाला बंद हो चुका है। और इस नाले को एक बल्दिया के पास नाला गैंग होती है, जो नाले के अंदर घुस के सारी जो है ना वो कीचड़ वगैरह निकाल लेते हैं। तो जनाब डी सी साहब, ये इतना बड़ा काम नहीं है जैसे आप शहर के दीगर काम करवा रहे हैं। तो गालबन 2-3 दिन का काम है बल्दिया से हमें नाला गैंग दें। तो ये इस तरफ से लेकर पुल की दूसरी तरफ जो है ना नाला गैंग वाले सफाई करें इसके अंदर घुस के अच्छे तरीके से, तो उसके बाद ये इंशाल्लाह मसाइल ख़त्म हो जाएगा। और बेशक ये रोड बनने की ज़रूरत है, रोड भी बनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले नाला गैंग से ये सफाई करवाए। और इसके अंदर हमें भी जो आप साथ में कहेंगे तावन के लिए, हम भी सारी जो ताजर बलादरी हैं वो भी इंशाल्लाह आपका साथ देंगे। अस्सलाम जी नाज़रीन, आपने सुना मौक़िफ़ स्टार कॉलेज की हालत और ज़हर आपके सामने है। डी सी ओ साहब सफदर हुसैन विरक साहब, मेरी आपसे आजाना मोहतबाना गुजारिश है, प्लीज़ खुदारा बच्चों के मुस्तकबिल का सोचिए, प्लीज़ इस बारे में थोड़ा सोचिए और अहकामात जारी कीजिए। मैं सीओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलिक बरार साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इस तरफ गौर करें।